विदुर नीति अनुसार यही तीनोटी गुण थिबा नारी विवाह परे घर को आनिथांती सुख समृद्धि। शास्त्र कहुछि विवाह जीवन गोटे महत्वपूर्ण निष्पत्ति अटे जहाँ को तरबरिया भाव में निथाए जदि किसी से भली करागला तेबे गोटे परिवार नष्ट हो जाए। पितामाता निज पुत्र कन्या विवाह प्रस्ताव पकाई थांती किंतु पुओ और झियो निज पई निजरो उपयुक्त पात्र वा पात्री चयन कर आज विद्रोह नीति कहु सबुठ गुरुत्वपूर्ण अटे विवाह पूर्व सठिक जीवनसाथी बाछवा जदि गोटे ठीक जीवनसाथी मिलगला तेज जीवन सुखमय होगासह घर स्वर्ग हो जाए। आसतु जाणवा से ही विशेष गुणगुड़िक कौन मर्यादार रोकवा नारी विवाह गोटे पवित्र बंधन अटे। यह बंधन में उभय पुरुष और नारी निज सर्वदार रहा निवश्यक अटे किंतु जो नारी निजक मर्यादार रखिथाए विवाह पर अन्य पुरुष विषय में चिंता करे ना और निजर मन को पवित्र रखिथाए से भली घर सर्वदा उन्नति होता है। नारी घर और परिवार सबुबले उन्नति विषय में चिंता करें विवाह परे प्रत्येक नारी और पुरुष बाह्य सौंदर्य को उभय उभयंकर अंतर्निहित सौंदर्य को परखिबा उचित। स्वामी और स्त्री दुई जन गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व अटंती तेणु उभय से विशेष दृष्टि देवा जरूरी अटे। तेणु जिते असुविधा समय आसु कहीं कहार हाथ छाड़ा उचित नुहे। धर्मर पालन करुवा नारी धर्म कर्म जड़ित महिला ठिक भूल मध्य सठिक पार्थक्य को जापारी थाए यह नारी केवल पर नुहे समाज को मध्य सठिक रास्ता देखाई थाए। आध्यात्म विश्वास रखुवा नारी जो घरे रही थाए से कदापि शांति भंग हो न था। धार्मिक कार्य संप्रक्त रही नारीर गुण विवाह पर निज पे भरी रही है यहाद्वारा अनेक पीढ़ी प्रभावित होता संतोष प्रदानकारी नारी जो स्त्री मान लोभ भाव रही नए से निजर दाम्पत्य जीवन को सुखमय करारी मैंने परिस्थित अनुरूप कार्य करैर्य द्वारा संतोष भाव जाग्रत होता है। जो स्त्री विवाह पर निज पारिवारिक स्थिति को संतुलन रखापी प्रत्येक कार्य निजर दक्षता देखाई थाए से गोटे भल स्वभावर नारी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।